ये इसकी जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, बहुत टाइम बाद ऐसी फिल्म हमें देखने मिली है। एक टाइम पे ऐसी फिल्में बहुत होती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्म का जो यू नो स्क्रिप्ट है वो काफी वीक है, इसमें लॉजिक नहीं है फिल्म में, और एंडिंग तो बहुत पिक्चर का वाहियात है इस फिल्म में। लेकिन जो एक्टिंग की है वो बहुत अच्छी एक्टिंग की है सारे एक्टर्स ने। अगर हम अभिमन्यु की बात करें, अभिमन्यु दसानी और मृणाल ठाकुर दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। परेश रावल लाजवाब है एज एक्सपेक्टेड। अब देवा दत्ता इज वेरी एंटरटेनिंग। अभिषेक बैनर्जी और शर्मन जोशी ठीक ठाक है, और दर्शन जरीवाला भी ठीक ठाक ही है। ये फिल्म मुझे नहीं लगता कि इतनी चल पाएगी, बिकॉज इतना पीछे के लिए एक्साइटमेंट नहीं है और अभी प्री दिवाली टाइम भी है। तो इस फिल्म को मैं दूंगा 1.5 स्टार, 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार। थैंक यू। जैसे कि उमेश शुक्ला से हमें ये अपेक्षा तो थी कि अच्छी कहानी होगी, लेकिन फिल्म इतनी हिलेरियस होगी ये नहीं लगा था। अच्छी पारिवारिक फिल्म है, हिलेरियस है, थोड़े बहुत लूपहोल्स हैं फिल्म में, लेकिन उसको नजरअंदाज इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि ये एक मस्ती भरी प्यारी सी कहानी है। एक्टर्स का सवाल है, चाहे परेश रावल हो या अभिमन्यु हो या और बाकी जितने भी कैरेक्टर हों, सबने अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी एक्टिंग की। कहीं कोई उनकी एक्टिंग में हम लूप होल नहीं निकाल सकते। कहानी में कुछ कुछ था, इतना जो 5 दिन का गैप था उसमें लड़का और लड़की की ये वीकनेस पता नहीं चल रही थी, ऐसा इम्पॉसिबल लग रहा था। तो कुछ कुछ कहानी में होता, लेकिन बहुत अच्छी थी फिल्म का की जो लय थी उसने बांधी रखी, और सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी, साथ में एक दो जो गाने थे वो सब भी मस्ती भरे ठीक ठाक लगे, और दोनों का पेयर भी बहुत अच्छा लगा। स्विट्जरलैंड के जो सीन थे वो भी अच्छे लगे। टोटल मिला के प्यारी सी स्वीट सी फिल्म थी, लेकिन कहीं कुछ थोड़ा सा मिसिंग लगा, तो मैं 3 स्टार दूंगी। फिल्म का नाम आप जैसे देख सकते हो आंख मिचोली। फिर इस फिल्म में हर किरदार एक दूसरे से आंख मिचोली करता हुआ दिखा है। फिल्म शुरुआत में थोड़ी सी समझ में नहीं आती है, जब एक बार फिल्म पेस पकड़ती है तो जो कॉम्बिनेशन है आर्टिस्टों के बीच का बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। एक्टिंग सबकी बेमिसाल है, जो परेश रावल है या मैं जितना भी किरदार के नाम लूं, जो कॉमिक टाइमिंग है बहुत एक दूसरे की मिलती जुलती है। फिल्म में कुछ गाने हैं लेकिन गाने भी काफी इंटरेस्टिंग हैं। फिल्म के जो गाने हैं बहुत अच्छे, लोकेशन बहुत अच्छी जगह पर इसका फिल्माया गया है। फिल्म कहीं ना कहीं यूथ है, बहुत एनर्जी दिखती है फिल्म में, मुझे तो फिल्म बहुत पसंद आई। फिल्म को मैं 5 में से 4 स्टार देना चाहूंगा। फिल्म का म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, और फिल्म के जो गाने फिल्माए गए हैं बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर फिल्माए गए हैं। फिल्म मैं कहूंगा कि 1 टाइम फिल्म बहुत जरूर है, कहीं ना कहीं हमको जो प्रियदर्शन की फिल्में हैं उनकी याद दिलाती है। दोनों की पेयरिंग बहुत ही खूबसूरत है, दोनों ही ऑन स्क्रीन बहुत खूबसूरत दिखते हैं। मुझे लगता है अगर ये लोग इस तरह के किरदार नहीं निभाते, एक लव स्टोरी वाली सामान्य लव स्टोरी फिल्म में होती, तो दोनों के दोनों बहुत ही ऑन स्क्रीन बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। दोनों की जो जोड़ी है काफी यंग है, काफी एनर्जेटिक है। जो आजकल का जनरेशन है कहीं ना कहीं इनको अपने आप से रिलेट करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी लव स्टोरी को इनसे रिलेट कर पाएंगे, ऐसा लगता है अगर इस तरह की कहानी नहीं होती। काफी युवा जोड़ी है थोड़ी सी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, कुछ नयापन लाने की कोशिश की गई है। जो डायरेक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया है मुझे लगता है वो एक्सपेरिमेंट तारीफ काबिल है। फिल्म को लिख से हट के बनाने की कोशिश की है, इसलिए इस तरह का कुछ नयापन लाया है।